नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में वर्तमान समीकरण में भाजपा, सपा और बसपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां भाजपा अपनी सत्ता और विकास कार्यों के आधार पर मैदान में उतरी है, तो वहीं सपा और मजबूत जातीय और सामाजिक नेटवर्क के जरिए विपक्षी वोटों को गोलबंद करने में कोशिश में लगी हुई है। बसपा जो पिछले कुछ सालों में सियासी जमीन खोती हुई दिखी, वो अपने दलित वोट बैंक को एक बार फिर से सक्रिय करने के लिए रणनीतियों पर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहां है, कभी सोचा है? जो कांग्रेस लोकसभा चुनावों में दम भर रही थी यूपी में, वो फिलहाल यूपी से गायब है। अब इसी बीच और इसी बात को लेकर सीएम योगी ने मीरापुर में कांग्रेस और सपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, दोनों में फिर से खटपट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनावों में इन लोगों ने कहा था कि खटाखट खटाखट, लेकिन अब दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इसी खटपट को विपक्ष एक बार फिर से खटाखट बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी कर ली गई है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट है, दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भी उतरेगा। यूपी में अगले से, यानी कि यूपी में विपक्ष चुनाव प्रचार अभियान को एकदम तेज करने वाला है। इसके तहत विपक्ष के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली होने वाली है। अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी संयुक्त रैली में शामिल हो सकती हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। इस संयुक्त रैली के जरिए विपक्ष की एकजुटता का संदेश देने की तैयारी है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं हो रही हैं। कोशिश है कि 2 से 3 बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जाएगा। वहीं अब विपक्ष की इस एकजुटता को 2027 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसकी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरे यूपी उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी मजबूती का संदेश देना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। सीएम योगी चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ दोनों यूपी में खोई जमीन वापस पाने को बेताब है, ताकि संकेत दिया जा सके कि हिंदी पट्टी में लोकसभा में मिली हार महज एक अपवाद थी। हालांकि इस खेल में इंडिया गठबंधन की रैली सीएम योगी के प्लान में कितना बदलाव कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।